नमस्कार, न्यूज असम हिल्स में आप सभी को स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मंकुदास। चलिए आज आईपीएफ की बात करते हैं। आज आईपीएफ ने 12 घंटे की बंद कॉल किया था और उस बंद के दौरान कहां कहां पर क्या क्या हुआ है, चलिए हम आपको बताते हैं। इंडिजिनस पीपल्स फोरम के तरफ से जो आज 12 घंटे का एक बॉन कॉल किया था, जो कि शुरू हुआ था सुबह का 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वो बंद चला। यहाँ पे ये कहना होगा कि कोई भी इंसिडेंस आज कहीं से भी रिपोर्ट नहीं हुआ है और 5 बजे को जो है वो बंद शांतिपूर्वक समाप्त हो गया है। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि हफलोंग में काफ़ी सारा इंस्टीट्यूशंस बंद था, बाजारें बंद थे, दुकान बंद था, लेकिन एनसीएलच ऑटोनोमस काउंसिल ने जो है अपना सामान्य दिनों की तरह आज भी जो है अपना ऑफिस वहाँ पे खुला था और लोग जो है काफ़ी सारा लोगों को हमने वहाँ पे काउंसिल में जाते हुए भी देखा, एम्प्लॉयज़ भी और बाहरी जो लोगों का काउंसिल में काम भी हुआ करता था वो लोग भी। और उसके बाद जब हम हफलोंग के कोने कोने पे जब हमने जायज़ा लिया तो हमने जहाँ भी हम गए वहाँ पे जो है हमें चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के लोग दिखाई दिए। एक तरीके से अगर हम कहें तो हफलोंग को एक तरीके से आज हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तरीके से हफलोंग को छावनी बना दिया था, क्योंकि चारों तरफ जो है सिर्फ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ही दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पर एक बात को उल्लेख करना पड़ेगा कि हफलोंग टाउन में आने वाले जितने भी रास्ते थे उन सब में एक तरीके से बैरिकेड लगा दिया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज जो है 144 लगा दिया गया था सीआरपीसी का, और उसमें कहा गया था कि 5 से ज़्यादा लोगों को एक जगह में जमा नहीं होना है। और उसी के चलते जो है आज देखा गया है कि पुलिस की तरफ से पूरा सख्ती किया गया है और जगह जगह पर चेकिंग किया गया है, और इसी के चलते आज कोई भी घटना पूरा डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे ये जो पुलिस बल है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने किस तरीके से जो है पूरा हफलोंग को एक तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया है, एक तरीके से जो है छावनी में बदल दिया है। आप देख सकते हैं कि ये दृश्य जो है ये हफलोंग टाउन का दृश्य है आपके सामने जो दृश्य अभी आ रहा है, और पुलिस किस तरीके से मुस्तैदी से जो है अपना ड्यूटी पूरा दिन यहाँ पे कर रहे थे। और आप देख सकते हैं उसी के साथ जो है असम राइफल ने भी जो है आज फ्लैग मार्च किया है। काफ़ी समय जो है असम राइफल को देखा गया है कि फ्लैग मार्च करते हुए हफलोंग टाउन से लेकर झटिंगा तक उन लोगों ने पूरा फ्लैग मार्च किया है, और ये फ्लैग मार्च एक मर्तबा नहीं काफ़ी मर्तबा जो है असम राइफल को इस तरीके का फ्लैग मार्च आज करते हुए देखा गया है। और ये दृश्य जो आपके सामने आ रहा है ये काउंसिल कैंसिल काउंसिल का दृश्य आप देख सकते हैं, जिस तरीके से रोज काम होता है वहीं पे आज भी जो है पूरा कैंसिल ऑटोनोमस खुला था जैसे हमने पहले आपको बताया। और ये दृश्य आपके सामने आ रहा है और ये आप देख सकते हैं ये कैंसिल ऑटोनोमस काउंसिल का ऑफिस है। और आपको बताया कि आज का बंद का जो असर है वो ज़्यादातर हफलोंग माहूर और हरंगजाओ में देखा गया है, क्योंकि उमरांगसू माइबंग लांगटिंग और इस तरीके का जो भी एरिया है वो सारा खुला हुआ था। आप देख सकते हैं ये उमरांगसू मार्केट का ये दृश्य है। तो आपने देखा ये दृश्य, चलिए आपको सुनाते हैं आईपीएफ की प्रेसिडेंट का क्या कहना। डिमांड है सेपरेट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट विद सेपरेट ऑटोनोमस काउंसिल फॉर द इंडिजिनस हिल पीपल, हिल ट्राइबल पीपल। और इसमें हमारा डिमांड 2010 से शुरू हो गया, और ऐसा है कि 2020 दिसंबर 28 में हमारा एक मिनिस्टर परिमल शुक्ला वैद्य का अंदर में वो एक गठन हुआ 18 नवंबर 2020 में, और उसका वो कमेटी के साथ में मीटिंग हुआ 28 दिसंबर 2020 में। तो वो हमारा मांग के बारे में बातचीत हुआ और उसी में बातचीत हुआ कि विद इन 3 मंथ्स जो एचएडी है और जीएडी है, होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है, उन लोग फिजिबिलिटी ऑन द बाइफर्केशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वो रिपोर्ट देगा, और रिपोर्ट देने के बाद में ही फिर दूसरा मीटिंग होने का बात था।
फिर भी और दूसरा मीटिंग नहीं हुआ और बाद में 26 जुलाई 2021 में हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आप लोग में आया था। उसी समय में बातचीत हुआ कि सर्किट हाउस में बातचीत हुआ तो वो बोला है हम जो आईपीएफ का डिमांड है उसके बारे में बजट करने के लिए 15 या 20 दिन का बाद में गुवाहाटी में हमको बुलाए के बोल के बोला था। फिर भी अभी तो 3 महीना चला गया और कुछ हमारा मीटिंग के बारे में खबर नहीं है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि हम बंद करें। फिर भी उपाय नहीं, हम मजबूरन से ये बंद सरकार को हमारा ग्रीवेंसेस सुनाने के लिए 12 आवर्स बंद करना पड़ा। तो इसी तरह हर एक खबर पाने के लिए देखते रहे न्यूज़ असम हिल्स और हमें लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूले। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।